राजनीति में बड़ा उलटफेर। तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। आरजेडी नेता ने थामा जेडीयू का दामन। आरजेडी नेता ने किया सीएम नीतीश पर भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत में पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में आज लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के कई नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों में विश्वास जताते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया है। समस्तीपुर जिले के कई आरजेडी नेता आज जेडीयू में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति विश्वास जताया है और एक सुर में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आरजेडी से आए सभी नेताओं को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी उनके मान सम्मान का ख्याल रखेगी। नए लोगों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को बेहतर बनाना है। जो लोग कह रहे थे कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में जवाब मिल चुका है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा दलित महिला का उत्थान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जातीय गणना के जरिए आरक्षण का दायरा बढ़ा, अब जेडीयू की ओर से लोगों का झुकाव बढ़ा है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी है। वहीं इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज जेडीयू में जमीन से जुड़े नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। आरजेडी के ये समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन अल्पसंख्यक नेताओं ने आज जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है, जो दूरगामी संकेत है। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।